छात्रों नमस्कार। टॉपिक है विकृति। स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यानी जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई। अर्थात वस्तु के रूप अथवा आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को उस वस्तु में उत्पन्न विकृति कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे ये कोई तार है, लोहे का तार है जिसकी लंबाई है कैपिटल एल। अब इस तार पर 5 केजी का भार लटकाया जाता है नीचे की तरफ, तो जिसके कारण ये जो लोहे का तार है इसकी लंबाई बढ़कर के यहां तक हो जाती है। तो पहले यहां तक था, अभी इसकी लंबाई मान लीजिए ये डेल्टा एल और बढ़ जाती है यहां से यहां तक के बीच में। जब इस तार पर भार लटकाया गया तो इस तार की लंबाई में वृद्धि हो गई, तो तार की लंबाई में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात है वो विकृति कहलाता है। तो अतः विकृति इक्वल टू हो जाएगा लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ये विकृति का फॉर्मूला होता है। तो अभी इसके मात्रक की बात करें तो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो लंबाई अपन लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो विकृति है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और यह बीमा रहित राशि होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक बीमा रहित राशि का नाम बताइए, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं विकृति है वो एक बीमा रहित राशि है, क्योंकि इसकी कोई बीमा नहीं होती। अभी बात करें टाइप्स ऑफ विकृति, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, विकृति के प्रकार। विकृति कितने प्रकार की होती है, तो विकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 2 अपरूपण विकृति, एंड नंबर 3 आयतन विकृति। विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। तो दोस्तों ये था विकृति से संबंधित कुछ बातें। थैंक यू।